Silence. I think Anita is very special hai aur sirf uske kapde nahi but as a human being special hai kyunki ki launch jab hoti hai to ek aise hi normal fashion designer store kind of person nahi hai wo social work bahut karti hai aur jahan tak ki aapne abhi grassroots ke bare mein bhi padha hoga to ye hindustan ke har kone kone har gaon har small scale industry se logon ko liya gaya hai fabrics waise hi bune gaye hain और एक हर गांव गांव को इनकरेज करने वाली एक ट्रेड जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने ये स्टोर खोला है. जैसे आज मैं भी पहनी हूँ तो मैं भी खादी पहनी हूँ एंड मैं रेयरली खादी पहनती हूँ बट फॉर दिस एंड फॉर अ कॉज लाइक दिस एंड टू प्रमोट हमारे जो नेशनल वीवर्स हैं जो हमारे हिंदुस्तान के वीवर्स हैं उनको एक इंकरेजमेंट देने के लिए एक्चुअली आई थिंक इट्स अ ग्रेट ग्रेट कॉज जो अनीता ने उठाया एंड आई थिंक आई एम हियर टू सपोर्ट दैट फुल हार्टेड. इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आपकी कुछ यादें बचपन से जुड़ी हुई इंडिपेंडेंस डे को लेकर जो आप बता रहे हैं आज़ादी क्या है आज़ादी के लिए कुछ यादें आई थिंक आज़ादी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थिंग है जो आजकल की जनरेशन को रियलाइज करना चाहिए और किस तरह हमें आज़ादी मिली वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है. मैंने हाल ही में मनोज वाजपेयी के साथ एक स्मॉल फिल्म की है एज अ सोशल मैसेज जिसका नाम है थैंक यू और उस फिल्म के जरिए हम यही बनाना चाह रहे हैं और यही मैसेज भी हम कराना चाहते हैं कि आई थिंक जो आजकल की जनरेशन उनको वैल्यू करनी चाहिए कि हमारे लिए आज़ादी का मतलब क्या है जो धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं. टेकन इट फॉर ग्रांटेड कि इंडिया इज़ अ फ्री कंट्री लेकिन किस तरीके से 200 साल हम लोग ने स्लेवरी निभाई है और उसके बाद हमको ये आज़ादी मिली है तो वो ये फिल्म जो है मनोज और मैंने जो की है वो उसके बारे में ही फील करता है. तो प्लीज़ ज़रूर देखेगा बिकॉज दैट इनकरेजेस पीपल एंड स्पेशली टीचर्स आवर जनरेशन कि व्हाट दिस फ्रीडम मींस टू अस. That's also right to privacy that is being debated. It's quite controversial. Right to privacy is very very important. I think as a person क्योंकि आजकल इतना ही exposure है आप social media platform उठा ले आप media general media उठा ले तो literally everyone's living in your houses you know ऐसे ऐसी बात हो गई everything is so open but I think somewhere एक थोड़ी privacy होनी चाहिए and people should also respect other people's privacy. Well, sometimes mistakes do happen, which I've been hearing and reading. But also, what was very encouraging is that our top cop of the commission of Mumbai has taken this very seriously. And Raveena Tandon himself is a fantastic person. Is highly educated. हमें क्या क्वेश्चन था आपकी यादें बताइए कुछ इंडिपेंडेंस डे को लेकर इस्लाम रोडी सी आशीष पुष्प से कोई गलत पढ़े उसका सब प्रश्न.
कहाँ से सीखी? किसने सीखा? उसकी काम की मैं एकदम कहते हैं आई थिंक कि अनीता जी का नया कलेक्शन है ग्रास रूट्स. मैंने ऐसा कुछ बहुत दिन में नहीं देखा है. आई थिंक मेरे लिए व्हाट इज वेरी और जो कलेक्शन के बारे में ये है कि इसमें ये सच में ग्रास से जुड़ा हुआ कलेक्शन है जो फैशन दुनिया में आप अक्सर नहीं देखते हैं. सो आई थिंक इट्स रियली स्पेशल कि दे हैव इंस्टेड ऑफ हैविंग क्राफ्ट्समैन एंड आर्टिसंस कम शहरों में जैसे लोग नौकरी ढूंढने या काम ढूंढने इन लोगों ने वो नहीं किया कि वापस गांव में गए हैं वापस रूट्स में गए हैं और उन लोगों को काम पहुंचाया है. एंड आई थिंक दैट इंडिया हैज़ अ वेरी वेरी रिच एंड ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट एंड आर्टिसनशिप. एंड आई थिंक इट्स रियली स्पेशल देयर इज समबडी हु कैन फाइंड अ वे टू दैट टू बी एलिट एंड टू बी सीज एंड टू बी सॉर्ट ऑफ टू हाई फैशन. सो आई लव मेरे लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है कि फैशन एक बहुत दरअसल चीज़ है जो मेरे जैसे छल्लों को बहुत वक्त लग गया समझने में. मैं जब पहले बॉम्बे आई थी तो मैं कॉलेज आई थी और मैं बहुत ही जल्दी लटका हुए जीन्स और चप्पल और कुर्ता पहन के ऐसे ऐसे टाइम की स्टूडेंट थी. तो मेरे को फैशन सीखना पड़ा. मैं मैगजीन ऐसे ट्यूशन में यूनो मैथ्स की बुक्स पढ़ते थे तो मैं वैसे वो और हाफर्स बार ये पढ़ के सारे टर्म सीखती थी. बट आई थिंक दैट सारी जद्दोजहद के बाद मुझे फैशन वो होता है जिसमें आप सबसे पहले खुश हो, आपको अपने दिमाग में लगे कि मैं अच्छी लग रही हूँ और आप कंफर्टेबल हो और आप सांस, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में.